नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज़। इस वक्त की खबर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से। ऑल इंडिया मुस्लिम कायस्थ वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष अशफाक अहमद सिद्दीकी ने किया रक्तदान। आपको बता दें, हर साल की तरह इस साल भी बेनहर स्कूल एंड कॉलेज करेलाबाग में जाहिदा फाउंडेशन के अध्यक्ष एवं बेनहर स्कूल एंड कॉलेज के फाउंडर जनाब तारिक खान साहब की अध्यक्षता में रोटरी क्लब ऑफ इलाहाबाद अकादमिया एवं ब्लड बैंक नास हॉस्पिटल की तरफ से ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के काफ़ी लोगों ने हिस्सा लिया। प्रोग्राम को सफल बनाने में जनाब आफ्ताब अहमद साहब, शम्स तरवेज, मोहतरमा असरा नवाज का काफ़ी योगदान रहा। लोगों ने ब्लड डोनेट करके सामाजिक कार्य करने का संदेश दिया। प्रोग्राम में ऑल इंडिया मुस्लिम कायस्थ वेलफेयर एसोसिएशन के संस्थापक एवं अध्यक्ष अशफाक अहमद सिद्दीकी ने भी रक्तदान करके हिस्सा लिया। इन्हीं के साथ साथ केयर फॉर लाइफ के संस्थापक अकबर खान, राशिद समी, शफीक आसिफ, मुमताज़ जफ़र, शाहबाज जहीर उस्मानी व अन्य लोगों ने रक्तदान किया। सर के जाने माने डॉक्टर नाजिब ने अपने हाथों से अशफाक अहमद सिद्दीकी व अन्य साथियों को सर्टिफिकेट और मोमेंटो देकर सम्मानित किया। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए प्रयागराज से संवाददाता मोहम्मद साकिब की रिपोर्ट।